मैं आपके सामने मोहम्मद मोहसिन अंसारी, आप देख रहे हैं साइन हिंद न्यूज। आज मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा लेकर आया हूं, नगर पंचायत भोजपुर का जिला। भोजपुर एक अहम बस्ती है जो कि अपने आप में जानी मानी महान बस्ती है, और उसी से जुड़े हमारे साथ डॉक्टर सलीम बेग साहब हैं जो कि RTI एक्टिविस्ट हैं। उनसे मैं चर्चा करता हूँ। सुपर फास्ट हमारे यहाँ जिस बस का नाम दिया गया है, आखिर वो बस है क्या? सुपर फास्ट किसने नाम रखा है और ये क्या है? पूरी कहानी डॉक्टर साहब की जुबान से सुनवाता हूँ मैं आपको। देखिए मोहसिन भाई, नॉन स्टॉप सुपर फास्ट ये सिर्फ गढ़ी हुई बातें हैं जो कि काशीपुर रामनगर बस यूनियन ने गढ़ी है। कानून में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेज कैरिज की परमिट की बसें हैं जो मुरादाबाद से काशीपुर मार्ग या मुरादाबाद से जसपुर मार्ग या मुरादाबाद से ठाकुर द्वारा दड़ियाल होकर के काशीपुर मार्ग के लिए चलाई जाती हैं। नियम के मुताबिक तो ये स्टेज कैरिज की परमिट की बसें, इन पर नॉन स्टॉप सुपर फास्ट लिख करके संचालित करना ये नियम विरुद्ध है। और इनका उद्देश्य, इनका मकसद मुरादाबाद से रामनगर मार्ग पर पड़ने वाले सभी हाल्ट, सभी कस्बे, सभी स्टॉपेज पे रोक करके यात्रियों को चढ़ाना और उतारना और उनको सुलभ और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना है। अब आप अभी नॉन स्टॉप सुपरफास्ट की बात कह रहे थे, तो नॉन स्टॉप सुपरफास्ट लिखकर इस तरह की पिछले दिनों कई बसें चलाई जा रही थी जिसका हमने विरोध किया था, धरना प्रदर्शन किया था, मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक भूख हड़ताल की थी और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कोर्ट मान्य हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था बस यूनियन से और RTO से कि ये सारी बसें जितनी भी चलती हैं वो भोजपुर रोक के चलेंगी और भोजपुर की सवारियों को चढ़ाएंगी भी उतारेंगी भी। बट ये है कि ये सब धींगा मुश्ती है, इसमें RTO पुलिस प्रशासन और समझ लीजिए ये यूनियन मुरादाबाद काशीपुर बस यूनियन मुलव्विस हैं और ये लोगों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, लोगों के अधिकारों का। ये इस तरह से नॉन स्टॉप सुपरफास्ट लिख करके मनमाने ढंग से स्टॉपेज फिक्स करना जो है ये इनका एक तरीके से इस रोड पर चलने वाले यात्रियों के साथ धोखा है, उनका जो है सीधा सीधा शोषण है। अधिकारियों को ये चाहिए कि वो भी वक्तन फवक्तन चेक करें कि यहाँ के जितने भी स्टॉपेज हैं उन पर ये बसें रुक के चलती हैं या नहीं, वरना फिर सीधा सीधा आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। चूँकि हाई कोर्ट के उस आदेश का जिसको हमने लिया है, हमने ये जंग लड़ी है इन मक्कारों से, तो आप उसकी कॉपी मुझसे ले सकते हैं और सीधे सीधे ये कंडेम आप कोर्ट कर रहे हैं, आप हाई कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। इनका इनके उस वक्त ARTO हुआ करते थे, 5-6 साल पीछे की बात बता रहा हूँ, पुष्पेन सत्यार्थी ने सीधे कहा था और लिखित रूप में भी थाना अध्यक्ष भोजपुर को उस वक्त के दिया था और 4 बसों के खिलाफ FIR लॉन्च कराई थी। और उनका कहना ये था कि स्टेज कैरिज की बसों को उन्होंने नॉन स्टॉप सुपरफास्ट लिखकर संचालित होते हुए पाया गया, जिसकी वजह से उन पर जुर्माना भी हुआ था और वो थाने में सीज करके गाड़ियाँ खड़ी की गई थी। और उन्होंने हमसे मौखिक भी और लिखित भी उन्होंने अपने एक बयान में एक पर्चा हमें दिया था जिसमें कहा था कि स्टेज कैरिज की बस को नॉन स्टॉप सुपरफास्ट लिख करके संचालित करना नियम विरुद्ध है। और इस तरह से जो 4 बसें उन्होंने FIR कराई थी उनका हवाला देकर कहा था हमसे लिखित रूप में कि इस तरह की 4 बसों को हमने नियम विरुद्ध चलते हुए पाया गया और थाना भोजपुर में उसकी FIR कराई है। आप चाहें तो FIR की कॉपी यहाँ थाने में देखें और फिर थाने वालों से भी कहें, कमिश्नर से मिलें, DM से मिलें, RTO से मिलें, ज़रूरत पड़ने पर RTO का घिराव करें, क्योंकि ये आपका वाजिब और जायज़ मुद्दा है और ये प्राइवेट बस यूनियन की मनमानी और लूट है कि वो यात्रियों का शोषण कर रहे हैं। इस तरह से शोषण करने का अधिकार ये कानून किसी को नहीं देता। जिस तरह हमारे यहाँ प्राइवेट बसें और भी चल रही हैं, उसमें ओवरलोडिंग भी चल रही है, उस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, तो वो सब मिली भगत है और अधिकारी तो आजकल एक मिजाज बन चुका है कि वो लोगों के प्रोटेक्शन की बात नहीं करते, उनका महीना महीना सब बना बना चलता है आमतौर से और वो बस अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलते। तो नेता भी इसमें, कई सारे नेताओं ने धरने प्रदर्शन किए और 5-7 दिन करिए बस रुके भी और फिर वहाँ के वहीं रही है,
तो हमारे नेता जो हमसे प्रतिनिधि वोट लेकर जाता है, हम उसे जिता के भेजते हैं यहाँ से, किस काम का है वो? देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि जो नेता हमारे वोट से कुर्सी पाता है, लीडर बनने के बनता है, वही हमारा शोषण करता है और कराता है। वरना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ हर एक बस को रुकवाएं। उनकी ड्यूटी है कि यहाँ के यात्री किसी भी तरीके से परेशान ना हो, उन्हें सुलभ और सुरक्षित जो है यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए और ये सुनिश्चित हो। और अधिकारियों को घेरें, अधिकारी का की जिम्मेदारी है कानून का पर अमल कराना और नॉन स्टॉप सुपरफास्ट लिखकर संचालित करना या मनमाने ढंग से यूनियन द्वारा स्टॉपेज को फिक्स कर देना, ये गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है एकदम से। देखिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारे रोड पर जो बसें चल रही हैं काशीपुर रामनगर रोड पर, तो बिल्कुल अवैध तरीके से इन्होंने चिट लगा रखी है बड़ी, जिसका नाम सुपरफास्ट दे रखा है, ये बिल्कुल अवैध है। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।